जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कपट नहीं करना और मायाचारी छोड़ना, अर्थात निश्चल भाव से सरल रहकर सभी से सरल व्यवहार करना उत्तम आर्जव धर्म हमें यही सिखाता है। ऐसी ही मंगल भावना को भाते हुए भाग्योदय तीर्थ में सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर में 10 लक्षण महापर्व के तृतीय दिवस को उत्तम आर्जव दिवस मनाया गया। इसी को लेकर प्रस्तुत है हमारे इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की तीसरी कड़ी, जिसके प्रसारण पुण्यार्जक हैं शिविर में तृतीय दिवस के श्रावक श्रेष्ठी मानवर के रूप में पधारे संतोष केटर्स परिवार। 21 सितंबर 2023 का शुभ दिवस था, यानी दशलक्षण महापर्व का तृतीय दिवस उत्तम आर्जव। सद्भाव लग्न समय दिन में प्रयोगः। ओम नमः श्री अभिषेकिन प्रतिज्ञां पुष्पांजलिं स्थाप्यामि अभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। इस दिन का शुभारंभ करते हुए शिविरार्थियों ने सर्वप्रथम पूज्य मनीश्री के सानिध्य में भगवान का मंगल अभिषेक, पावन शांत धारा एवं नित्य पूजन आदि किया। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज स्वासलावार्तम समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विध संघ स्वासलावार्तम समस्त शांति धारा कर्ता आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री संतोष कुमार निर्मला जैन और श्रीमती मनोरमा प्रीति और शांति धारा कर्ता भी हैं प्रीति लकी शिवानी यश खुशी अनिकांत अवनी समस्त संतोष केटर परिवार से प्रथम शांति धारा। इस दौरान भक्तों ने खूब प्रभु भक्ति की। भाग्योदय के मंदिर में सर श्रद्धा से झुका के मन भक्ति में रमा के सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वच काय। अथ पर्वण पूजा प्रारंभ करिए हमसे पंचमा गुरु भक्ति का सर्गम करो मैं। तत्पश्चात पूर्ण विधि पूर्वक दश लक्षणादि पूजन संपन्न किया गया। तारे शरणम भवज्जामि हरिहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि। पूजन के इस मांगलिक क्रम में भक्तों ने दश लक्षण धर्मों के अर्घ्य प्रभु चरणों में समर्पित किए। अब देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सबसे दिन अब निधि रीति मंगल पाए शिव कांता हरे। जय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेत चेत्यालय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय जय माला पूर्ण अर्घम निरूपामिति। समाधि दस लक्षण धर्मंगाय नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। समाधि दस लक्षण धर्मंगाय नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। समाधि दस लक्षण धर्मंगाय नमः अखंड अक्षय पद प्राप्ताय अक्षितान निरूपामिति। उत्तम संयुगते वेद्यम निरूपामिति अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति। ओम ह्रीम उत्तम समाधि दस लक्षण धर्मंगाय नमः महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति। उत्तम समाधि दस लक्षण धर्मंगाय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। ये अयानो वस्तु चीले पांते मारे बहुविधि करे। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः तम मुआ चांडाल हुआ उप कीड़ों में गया। ओम ह्रीम उत्तम मार्दो धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम आजो धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत धर्मंगाय नमः। ह्रीम उत्तम शौच धर्मंगाय नमः।
ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम माकिंचन धर्मंगाय नमः। अर्घ्यं निरुपामेति स्वाहा। ओम ह्रीमुत्तम ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। ओ करे कर्म की ने जरा भव पिंजरा विनाश। अजर अमर पद भोग लहे ज्ञानत सुख की राश। अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरुपामेति। और फिर कार्यक्रम में आगे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का पाठन हुआ, जिसके साथ भक्तों ने प्रत्येक अध्याय के अर्घ्य समर्पित किए। वन संवर निर्जरा मोक्षास्त्वम नाम स्थापना द्रव भावस्त तन्यासा प्रमाण नयर रदिगमः। तत्वार्थ सूत्रे प्रथमो अध्याय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। तो अध्याय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जो अध्याय कांग वांग काय वांग मना कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। ओम श्रीम तत्वार सूत्रे दशमो अध्याय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे कार्यक्रम में पधारे इस दिवस के श्रावक श्रेष्ठी मान्यवर संतोष केटर्स परिवार द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। तेरे सहारे बड़े बाबा कुंडलपुर वाले एवं पूज्य साधुगणों को शास्त्रादि भेंट किए गए। पूज्य मुनिगणों ने भी ऐसी पावन बेला में कार्यक्रम को शोभा प्रदान करने पधारे संतोष केटर्स परिवार को अपने मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। कार्यक्रम के अगले सोपान पर पूज्य मुनि भगवंतों द्वारा सभा को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया गया। दो दिन से आप सुन रहे हो कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो आपको क्षमा धर्म का पालन करना पड़ेगा, और मान को जीतना है तो मार्दो धर्म को अपनाना पड़ेगा। इन दो धर्म को आपने बहुत अच्छे से अपने जीवन में धारण किया होगा, किया है या नहीं हाथ ऊपर कर सकते हो। पूछ रहे हैं क्षमा तो हमारी बहुत बड़ी औषधि है। आज हम क्षमा नहीं कर पाते किसी को, इस कारण से परेशानी में पहुंच जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने पहला धर्म जो रखा है क्षमा धर्म रखा है, और आखिरी में क्षमा वाणी पर भी रखा है। आज के धर्म की परिभाषा है रिजुर्भाव वार्जवम, अर्थात रिजुता का भाव ही आर्जव धर्म है। तो आर्जव धर्म कैसे होगा? सीधा साधा, यहाँ टेढ़े मेढ़े के काम कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप धर्म के पास या धर्म की बात करने जाओ या धर्म की शरण में जाओ, उस समय बिल्कुल सीधे जाना। संसार में बाहर सब जगह टेढ़े मेढ़े हो जाना, पर धर्म के क्षेत्र पर कभी टेढ़े मेढ़े नहीं होना। बंधुओं ध्यान रखना, सर्प बाहर कितना जब भी चलता है कैसा चलता? टेढ़ा चलता है, लेकिन जब उसे अपनी बामी में जाना पड़ता है तब, जब वो बामी में जाता है तो बिल्कुल सीधा जाता है। अगर टेढ़ा बना रहे तो बामी में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे ही लोक में ये कहा गया, सीधे रहो
पर लोग कहते महाराज आज के जमाने में सीधे आदमी को जमानो नहीं है, ऐसे कहते हो ना, जो जितना छल कपट करे, टेढ़ा मेढ़ा हो, झूठ बोले, अन्याय के काम करे, उसका जमाना है। लगता है एक लोगों की सोच ऐसी बन जाती है, पर ऐसा नहीं है। आज भी उसकी कीमत होती है, आज भी सीधे आदमी की कीमत होती है, आज भी सीधे आदमी का सम्मान होता है। छल कपट वाले की एक बार पहचान हो जाए तो फिर उस आदमी की पहचान हो जाने के बाद सोता कहता है भैया ये तो बाहर का ऐसा गुलदस्ता है, ऐसा गुलदस्ता है कि जैसे कागज के फूल का गुलदस्ता और असली फूलों का गुलदस्ता, दिखने में अंतर क्या होता है दोनों में? दोनों में बहुत अंतर होता है। एक कागज का फूल दिखने में तो अच्छा लगता है पर सुगंध नाम की कोई चीज नहीं होती, पर दूसरा दिखने में भी अच्छा लगता है और सुगंधित भी होता है। अनंतों अनंतों बार दुखों को प्राप्त हुआ। अगली कारिका में कहा था कि संसार में निवास करता हुआ अनंतों अनंतों बार मरण को प्राप्त किया और आज तक तुमने उस जैन धर्म की प्राप्ति के बिना संसार के दुखों को समाप्त नहीं कर सके। अब यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात रखी कि हे आत्मन, ज्यादा क्या कहें, एक अंतर मुहूर्त के भीतर 66,336 बार जन्म मरण किया। किसने किया? प्रत्येक आत्मा जो अभी संसार में है उस संसारी आत्मा को इतने जन्म मरण की नैया पार करना पड़ती है। आप कहते हैं इसके बाद स्वाध्याय कक्षा में सभी श्रावकों ने पूर्ण मनोयोग से भाग लिया। इसी के साथ इस दिन का कार्यक्रम आगे बढ़ा। संस्कृत में अन्योन शब्द होता है, अन्न अन्न, ये दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो अन्योन बन जाता है। और खज्जनता, खज्जनता का अर्थ होता है छुभ्यंता। छुभ्यंता मतलब एक दूसरे के प्रति कुपित होते हुए, एक दूसरे के प्रति खोटे परिणाम करते हुए, जीवा दारुणम दुखम पावंती, जीव दारुण माने भयंकर उन दुखों को पाता है। दारुण दुखों को अपन शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। दोपहर के समय पूज्य मनीष्री अजित सागर जी महाराज द्वारा श्रावकों को तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के तृतीय अध्याय पर आधारित अर्थ सहित प्रवचन दिया गया। तीसरा अध्याय, जीव तत्व की विवेचन करने वाले, पहला और दूसरा अध्याय अपन ने समझा। द्वितीय अध्याय में अपन ने विशेष रूप से
जीव तत्व के, या ये कहो कि जीव के इंद्रियां कितनी हैं, शरीर कौन सा है, शरीर की विशेषता क्या है, ये शादी का सारा उनका संरचना विशेष का वर्णन पड़ा। अब आता है यह जीव क्षेत्र के तो वर्णन आ रहा है। दिन में आयोजित हुए इन सभी उपक्रमों के पूर्ण होने के बाद सायंकाल की सुंदर बेला में श्री पंच परमेष्ठी आरती सहित पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग की भक्तमय आरती का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगल दीप सजाएंगे मैं आज उतारूं आरतिया, विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे मैं आज उतारूं आरतिया। खड़क धार शिव पथ पर चलते शिथिलाचार निवारी, गुरु जी शिथिलाचार निवारी, उग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतिया। आरती करते हुए सभी भक्त प्रभु चरणों एवं गुरु चरणों में अनुपम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। झुकाए शीश तुम्हें मुनि राजा श्री अजित सागर महाराजा, हम लेकर गत के दीप झुकाए शीश तुम्हें मुनि राजा श्री अजित सागर महाराजा। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, आँखों में दीपक लेके आरती करो रे बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, आँखों में दीपक लेके आरती करो। तो दर्शकों, कुछ इस तरह श्रावक ने शिविर में 10 लक्षण महापर्व का तृतीय दिवस उत्तम आरजो भी संपन्न किया। कल फिर मिलेंगे आपसे चौथी कड़ी में, इसी समय इसी चैनल पर। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।